और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 1 बाउल है ना मटर, आप इसकी जगह चाहे तो है ना फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। और ये है ना 1 बाउल है ना मतलब एक बंडल मैंने मेथी को सेपरेट करके तोड़ के रखा है और इसको अच्छे से है ना पानी से है ना वॉश करके रखा है। और ये दोनों ही सब्जियां इस टाइम पे सीजनल सब्जियां हैं, तो हम अब अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैंने कढ़ाई लिया और इसमें 3 बड़े चम्मच ना तेल डाला है मैंने। और है ना अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1 सिनेमन स्टिक दालचीनी और है ना 2 तेज पत्ते। तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून अराउंड जीरा। और ये मैंने है ना 7 से 8 कली है ना लहसुन की एकदम फाइनली चॉप करके रखी है, तो ये लहसुन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। लहसुन को सौते करना है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये 2 मीडियम साइज की है ना अनियंस मैंने फाइनली चॉप करके रखे, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और ना अब हमें अपने प्याज को पकाना है जिसमें कि हमें हल्की सुनहरी कलर की भी हो जाए, मतलब हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, तब तक हमें अपने प्याज को अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे। मेरी प्याज है ना हल्की हल्की सुनहरी होने लग गई है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये 2 टमाटर का है ना मैंने पीस कर ना एक पेस्ट रेडी कर लिया है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे ये सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और है ना इन सबको है ना मैं अच्छे से मिक्स करके एक बार, और हमें है ना इसको ढक्कन से ढककर है ना पकाना है जब तक कि इसका ना ये तेल है ना ऊपर नहीं आने लग जाए ना, तब तक हमें इसे पकने देना है ग्रेवी को हमारी मीडियम फ्लेम पे। आपको इसको ढक्कन ढककर पकाना है 5 से 6 मिनट तक जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आने लग जाए। और अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, ये देखिए मेरी सब्जी में ना तेल ऊपर आने लग गया है। और उस स्टेज पे ना हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने 1 बाउल मटर का लिया हुआ था, तो ये मटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मटर हमने इसमें ऐड कर दिया है, मटर को है ना मसाले में अच्छे से मिक्स करना है और है ना अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये रेड चिली पाउडर और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जियों का। तो ये मैं ना 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और हम इसमें ऐड करेंगे ये गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। ये सब हमने अच्छे से ऐड कर दिया है इसके अंदर और इस मसाले को और मटर को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए और है ना अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी 1/2 ग्लास के अराउंड पानी, ताकि ये मटर है ना हमारे अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाए। तो आप ढक कर पका सकते हैं इनको ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, तो मैं इनको ढक कर पका रही हूँ जब तक कि ये हल्के हल्के मटर सॉफ्ट ना हो जाए मेरे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारे मटर है ना पककर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और है ना अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने है ना 3/4 बाउल है ना मलाई ली है दही की मलाई,
तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो ना इसके जगह ना जो फ्रेश क्रीम का बॉक्स आता है ना वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये मेथी। तो ये मेथी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर और एक बार है ना इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और ना अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये कसूरी मेथी। तो ना कसूरी मेथी आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं पर इसको ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। तो मैं ना अराउंड हाफ टी स्पून है ना इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और एक बार हमें इसके अच्छे से फिर से मिक्स करना है। और ना अब हमें इसको ढक्कन से ना कवर करके और मीडियम फ्लेम पे पकाने 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारी जो मलाई है वो भी अच्छे से पक जाए और ये मेथी भी सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे और पका रही हूँ और फिर हमारी मेथी मटर मलाई एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। हमारी मैंने अपनी है ना सब्जी को अच्छे से पका लिया है, ग्रेवी को और जो मलाई हमने ऐड की थी सबको अच्छे से पका लिया है। और आप ना अपनी मेथी मलाई मटर की सब्जी को ना इंजॉय कर सकते हैं लच्छा पराठे के साथ में, गार्लिक नान के साथ में, बटर नान के साथ में, या सिंपली रोटी या पराठे के साथ भी आप ये सब्जी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चीनी, जस्ट हाफ टी स्पून चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि वो सारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाए। तो बस अभी हमारी सब्जी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ and ready to serve।